पावर्ड बाय आईटेल। एक छोटे से विमान में बैठे दो लोग एक ऐसी यात्रा पर निकले हुए थे जो इससे पहले किसी मनुष्य ने नहीं की थी। उस गोलाकार विमान में बैठे उन दोनों में से एक वैज्ञानिक और एक मिलिट्री ऑफिसर था। विमान में सिर्फ सांस लेने बराबर जगह थी, एक खिड़की थी जिससे वो लोग बाहर झांकने की कोशिश करते थे, लेकिन बाहर घुप अंधेरा था। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने धरती की सतह पर मौजूद अपनी टीम से संपर्क करने की कोशिश की। दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि आपकी आवाज़ हल्की है लेकिन मैं सुन सकता हूँ। इसके बाद पूछा गया वो सवाल जिसके जवाब ने इंसानी इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। टीम ने यान में मौजूद वैज्ञानिक से पूछा था कि प्लीज़ बताएं कि आप कितनी गहराई पर हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे कहानी समंदर के गहराई में मौजूद सबसे गहरे बिंदु की। नक्शे से आप शुरू कीजिए, भारत के दक्षिण पश्चिम में फिलीपींस से आगे अगर आप जाएंगे तो प्रशांत महासागर की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, भारत के सिर्फ पश्चिम में ही नहीं, पूरब की ओर भी प्रशांत महासागर पड़ता है, दुनिया गोल है। इस हिस्से में गुआम नाम का एक द्वीप है। अब ये जो गुआम है वो अमेरिका के कंट्रोल में है। यहाँ से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरियाना ट्रेंच। ये समंदर के अंदर बनी एक तरह की खाई है और इसे जाना जाता है चैलेंजर डीप के लिए। चैलेंजर डीप यानी समंदर का सबसे गहरा हिस्सा। कम से कम जितना हमें अब तक पता है उसके हिसाब से तो चैलेंजर डीप ही दुनिया में सबसे गहरी जगह है। समंदर की गहराई को वैज्ञानिकों ने 6 हिस्सों में बांटा है। सतह से लगभग 650 फीट तक के हिस्से को एपिपेलेजिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। आप नाम से समझ गए होंगे, समंदर का वो हिस्सा जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। इसके नीचे बस अंधेरा है जो नीचे जाते हुए बढ़ता ही जाता है। ऐसे नीचे जाते हुए अंत में हम पहुंचते हैं हेडोपेलेजिक जोन में। इस हिस्से का नाम ग्रीक देवता हीडीस के नाम पर रखा गया है, जो मिथकों के मुताबिक पाताल का देवता है। हीडीस के इलाके में ही पड़ता है चैलेंजर डीप, जिसकी गहराई है लगभग 36,000 फीट। तुलना के लिए आप समझिए कि टाइटैनिक जहां डूबा, ये पॉइंट उससे भी गहरा है। धरती के ऊपर मौजूद चीज़ों से तुलना आप कीजिएगा तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जितनी है उससे ज़्यादा गहरा है चैलेंजर डीप। यानी चैलेंजर डीप में अगर माउंट एवरेस्ट डाल देंगे तो पूरी तरह डूब जाएगा, फिर भी कई हजार फीट का पानी बचेगा। ज्ञानियों ने कहा है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैट। गहराई में जाना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए सैटेलाइट इंसान ने पहले लॉन्च कर लिए और चैलेंजर डीप की खोज बाद में हो पाई। चैलेंजर डीप का नाम पड़ा है दो समुद्र अभियानों के नाम पर। चैलेंजर डीप की खोज की कहानी शुरू होती है साल 1872 से। HMS चैलेंजर नाम का एक जहाज जो बैटलशिप हुआ करता था कभी, उसे एक साइंटिफिक वेसल में तब्दील किया गया और मेरियाना ट्रेंच की तरफ भेजा गया शोध के लिए। जैसा हमने पहले बताया, चैलेंजर डीप मेरियाना ट्रेंच का ही एक हिस्सा है और इस इलाके को तब भी समंदर के सबसे गहरे हिस्से के तौर पर ही जाना जाता था। चैलेंजर अभियान के तहत वैज्ञानिकों ने कुछ पौधों और समुद्री जानवरों की लगभग 4,000 नई प्रजातियों की खोज की। वैज्ञानिकों को तब लग रहा था कि वो समंदर के अंदर सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच चुके हैं, लेकिन 1875 में ये धारणा टूटी। वह यूं कि अपने अभियान के दौरान चैलेंजर जहाज एक तूफान में भटका। रास्ता तय करने के लिए जहाज के कप्तान ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने समंदर के अंदर एक लैंडिंग उपकरण डाला ताकि गहराई माप सकें। इस तरह वो पता कर सकते थे कि वो ठीक ठीक कहाँ हैं। उपकरण जब डाला गया तो पता चला कि वहाँ समंदर की गहराई लगभग 27,000 फीट है। ये तब दुनिया में मनुष्य द्वारा नापी गई सबसे अधिक गहराई थी। इस घटना के 75 साल बाद चैलेंजर अभियान एक और बार चलाया गया। वैज्ञानिक ये पुष्टि करना चाहते थे कि 1875 में जो रीडिंग ली गई थी वो सटीक थी। इस अभियान के मुख्य वैज्ञानिक थे, ये जो 75 साल बाद वाला है, थॉमस गॉस्केल। अपने किताब अंडर द डीप ओशियन 20th सेंचुरी वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी में गॉस्केल बताते हैं कि चैलेंजर 2 अभियान में वैज्ञानिकों ने पिछली बार की तरह लैंडिंग उपकरण इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो बीच में ही टूटने लगा। वैज्ञानिकों ने तब एक जुगाड़ निकाला, एक भारी पत्थर को एक तार से बांधकर समंदर में डाल दिया गया। ये सब हुआ शाम 5 बजे। वैज्ञानिक इंतजार में थे कि पत्थर कहीं जाकर रुकेगा। पत्थर जब रुका तब तक 7:45 बज चुके थे और तार की रीडिंग बता रही थी कि वो 35,394 फीट की गहराई नाप चुके हैं।
यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। समंदर के अंदर इतनी गहराई किसी ने नहीं नापी थी और जैसे ही ये खोज हुई वैज्ञानिक उत्साह से भर गए। कौतूहल होना स्वाभाविक भी था, इतनी गहराई पर कौन से जानवर होंगे, कौन से पौधे होंगे, क्या इतनी गहराई पर भी जिंदगी संभव है, इन सवालों के जवाब हर कोई तब जानना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि वहाँ जाएगा कौन और कैसे। समंदर के अंदर इतने गहराई में तापमान लगभग 0 डिग्री पर होता है, उससे भी कहीं नीचे। उससे बड़ी दिक्कत थी कि पानी के अंदर हर फीट के साथ प्रेशर बढ़ता जाता है क्योंकि मास आपके इर्द गिर्द ज़्यादा है और 36,000 फीट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1,000 गुना ज़्यादा पहुँच जाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि इंसान अगर इतने गहराई में जाए तो उसका पूरा शरीर पिचक जाएगा, हड्डियों तक का कचूमर बन जाएगा। जून 2023 में एक घटना हुई भी थी। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कुछ लोग एक पनडुब्बी लेकर गए लेकिन पनडुब्बी से संपर्क बीच में ही टूट गया। बाद में पता चला कि प्रेशर के चलते पनडुब्बी का हल पिचक गया था, इम्प्लोड हो गया था और उसमें बैठे 5 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी। ये सब टाइटैनिक के गहराई पर हुआ था जबकि चैलेंजर डीप इससे कहीं ज़्यादा गहरा है, इसलिए वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। कोई शिप या पनडुब्बी लेकर जाएँ तब भी बहुत खतरा है। खतरा हालांकि इंसान को रोक कहाँ पाता है। 1960 के दशक में जब कुछ लोग चांद तक की यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे, 2 लोगों ने तय किया कि वो ऊपर जाने के बजाय नीचे जाएंगे। 23 जनवरी 1960 की तारीख थी। स्विस वैज्ञानिक जैक्स पिकर्ड और अमेरिकी नौसेना के लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श एक छोटे से यान में बैठे और मैरियाना ट्रेंच में उतर गए। इस यान का नाम था ट्रायस्ट। इस 60 फीट लंबी एक छोटी सी पनडुब्बी थी जिसे पिकार्ड और उनके पिता ने तैयार किया था। दोनों का यह मिशन टॉप सीक्रेट था क्योंकि फेल होने की दशा में वो नहीं चाहते थे कि इस बारे में लोगों को खबर लगे। 5 घंटे तक एक सकरी सी जगह में बैठे बैठे दोनों ने चैलेंजर डीप तक की यात्रा की। वहाँ भयानक सन्नाटा था, बीच बीच में बस किसी चिड़िया के फड़फड़ाने जैसी आवाज़ आ रही थी। बाद में हमें पता चला कि खिड़की का बाहरी प्लास्टिक टूट गया है जिसकी वजह से आवाज़ आ रही थी, हालांकि इसमें कोई ख़तरा नहीं था। पिकार्ड और वाल्ज के अनुसार चैलेंजर डीप के गहराई में जब विमान उतरा वहाँ एक सफ़ेद चादर फैली हुई थी। यान की हल्की सी रोशनी में उन्होंने 20 मिनट तक आसपास के माहौल का जायज़ा लिया और वापस लौट गए। वहाँ उन्होंने क्या देखा? पिकार्ड और वॉल्श के मुताबिक वहाँ उन्होंने 1 फुट लंबी एक मछली देखी जिसके सर के ऊपर की ओर 2 आँखें थीं। बकौल पिकार्ड एक मछली के अलावा वहाँ उन्हें कोई जीवित चीज़ नहीं दिखाई दी। हालांकि एक ही मछली काफ़ी थी ये पक्का करने के लिए कि इतनी गहराई में भी जीवन हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि चैलेंजर डीप में कितने जीव हैं इसकी पूरी जानकारी आज भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। 1960 में पहली यात्रा के बाद चैलेंजर डीप तक पहुंचने में इंसानों को 50 साल लगे जबकि इसी अवधि में हमने चांद के इतने चक्कर काट लिए थे कि आम बात लगने लगी थी वो तब। साल 1995 और 2009 में भी चैलेंजर डीप तक जाने की 2 बार कोशिश हुई, दोनों बार हालांकि एक रिमोट कंट्रोल्ड यान को भेजा गया। 21वीं सदी में चैलेंजर डीप की यात्रा करने वाला शख्स असल में किसी और चीज़ के लिए फेमस है। टाइटैनिक, एवेटार और द टर्मिनेटर जैसी फेमस फिल्में बनाने वाले निर्देशक जेम्स कैमरून ने 2012 में चैलेंजर डीप तक का सफ़र तय किया था। खुद के द्वारा डिज़ाइन किए गए एक वेसल में बैठकर कैमरून चैलेंजर डीप तक गए। ऐसा कहा गया कि उन्होंने खुद डिज़ाइन किया है और अकेले गए। ये यात्रा भी खतरे से खाली नहीं थी। बकौल कैमरून यात्रा के बीच में उनके कुछ बैटरीज बंद हो गई, कंपस खराब हो गया और सोनार भी बंद पड़ गया। तमाम चुनौतियों के बावजूद कैमरून ने यात्रा पूरी की और इस दौरान उन्होंने सिर्फ पर्यटन ही नहीं किया बल्कि महत्वपूर्ण सैंपल और रिकॉर्डिंग्स भी लेकर आए। कैमरून की यात्रा से वैज्ञानिकों को जीवाणुओं की 68 नई प्रजातियों के बारे में पता चला जो इतनी गहराई में भी सर्वाइव कर पाई थी। कैमरून के बाद कई अन्य लोग भी चैलेंजर डीप की यात्रा कर चुके हैं। इनमें 2 नाम हैं, एक विक्टर वेस्कोवो 2019 में चैलेंजर डीप तक गए। ख़ास बात की वेस्कोवो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ चुके हैं, इस हिसाब से वेस्कोवो धरती की गहराई और ऊंचाई दोनों नाप चुके हैं। लेकिन वर्टिकली सबसे लंबी डिस्टेंस नापने का श्रेय किसी और को जाता है। कैथरीन सुलिवन 2020 में चैलेंजर डीप तक गई थी। इन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट वर्टिकल वुमन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये इससे पहले एक एस्ट्रोनॉट थी और नासा की तरफ से अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी थी। तमाम डिटेल्स के बाद अब सबसे दिलचस्प सवाल कि 36,000 फीट की गहराई में कौन से जीव रहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि चैलेंजर डीप के बारे में हमारे पास जितनी जानकारी है उससे ज़्यादा बातें तो हमें मार्स के बारे में पता है। समुद्र में पाए जाने वाले अजीबोगरीब एलियन जैसे जीवों की जो तस्वीरें इंटरनेट पर घूमती हैं उनके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये जीव मैरियाना ट्रेंच के ज्ञात हिस्सों में पाए जाते हैं। मैरियाना ट्रेंच के बाकी हिस्से भी काफ़ी गहरे हैं लेकिन चैलेंजर डीप जितने नहीं।
अपने नाम की ही तरह चैलेंजर डीप में जीवन का पनपना भी उतना ही चैलेंजिंग है। साल 1960 में चैलेंजर डीप की यात्रा करने वाले वैज्ञानिक जैक स्पिकट के अनुसार उन्होंने वहाँ मछली देखी थी, लेकिन ताज़ा रिसर्च के अनुसार चैलेंजर डीप में मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पिकट ने संभवतः सी कुकुम्बर नाम के एक जीव को वहाँ देखा होगा। जैसे पहले बताया, चैलेंजर डीप में प्रेशर इतना है कि सामान्य बायोलॉजी वाले जीवों का वहाँ जीवित रहना मुश्किल है। इसके बावजूद चैलेंजर डीप में समुद्र में पाए जाने वाले कुछ कीड़े झींगे टाइप के जीव देखे गए हैं। इसके अलावा जैसे पहले बताया, जीवाणुओं की अच्छी खासी संख्या यहाँ मौजूद है। चैलेंजर डीप के बारे में वैसे बहुत सारी बातें हैं जिनका पता लगाया जाना अभी बाकी है। फिलहाल एपिसोड को यहीं पर रोकते हैं और आपसे लेते हैं विदा। शुक्रिया। इस एपिसोड को कमल ने लिखा और आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।